ऑगी 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 कहाँ पर है ऑगी? बेड के बीचों बीच घुसा हुआ है और निकल नहीं रहा है अभी। ये एक ही इसका उपचार है ऑगी। पकड़ो मैं बेड खिसकाऊं। तुम बेड खिसकाओगी? यस। वो एकदम जहाँ मैंने उंगली रखी है ना वहीं पे है। पैर तो नहीं लगेंगे बेड के, ये बताओ। हाँ करो करो करो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। मिला ऑगी? जा सुसु करके आप। गलत बात है ऑगी, सुबह से बैठ के अंदर घुसे हुए हो यार, ऐसी कैसी। तो ऑगी सक्सेसफुली बैठ के बाहर आ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मासूम बच्चे, और तू बैठ के अंदर क्यों घुस जाता है ये बता। बता, दुश्मनी है हम लोगों से तुम्हारी? ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का, तुम ऐसे बैठे हुए बेड के अंदर अच्छा लगता है, है? अच्छा लगता है ऐसे। इधर देखिए, थोड़ा इधर मुंह घुमाइए। कांप काहे रही हो, हैं? कांप काहे रही हो? कौनो छुआ नहीं का गोचू, मेरा घोचू। ए घोचू मल, घोचू मल। तो देखो भाई लोग, क्या गजब का मौसम हो गया है आज, एकदम रापचिक। यार मेरा मन क्या था कि मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम जाऊं, वहां से आज एक बाइक चलाता हूं, कोई भी इंटरसेप्टर चलाता हूं, जीटी चलाता हूं, जो होती है उनके पास वो चलाता हूं, मन कर रहा था मेरा आज। लेकिन अब बारिश हो गई है, जाना सही रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि भाई शोरूम से गाड़ी उठाओ, बारिश में चलाओगे तो वो कीचड़ से भर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल तो ऑगी के साथ खेल कूद रहे हैं और फिर लंच वंच करेंगे, लंच के बाद का प्लान रखते हैं अगर रखते हैं तो। ये कीरिंग भी देखो धो के सुखा दी है, पुरानी वाली अपनी बाइक की कीरिंग, अब ये भी साफ हो गई तो इसको किसी और जगह तो यूज़ कर ही सकते हैं आई थिंक। वैसे तो नाश्ता कर चुके थे सुबह, लेकिन अभी फिर से थोड़ी कुछ कुछ भूख लग रही है, तो अभी अपन सोच रहे हैं कि हलवा अपने पास थोड़ा सा रखा है तो हलवा खाते हैं, और इसके बाद मेरे को पिछले ब्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके साथ के लिए मैं सोच रहा हूँ स्नैकिंग करने के लिए पॉपकॉर्न बना देता हूँ। अरहर की दाल है और भिंडी की सब्जी, प्याज वाली भिंडी है, क्या बात है। तो शिल्पी तो लंच करेगी नहीं क्योंकि वो तो इंटरमिटेंट डाइट पे है। तो अभी तुम क्या ले रही हो शिल्पी? काढ़ा। ओके ओके, लेट मी जस्ट सी, एप्पल साइडर विनेगर। ओके, चीज़ें गर्म हो जाएंगी और फिर अपन इसके साथ क्या खाएंगे? सादी पराठी। यस यस यस, भिंडी की सब्जी और सादी पराठी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऑगी का क्या हाल है देखें, आज तो सुबह से ऑगी ने ना बहुत परेशान कर रखा है। ऑगी, क्या आप लोग ऑगी को देख सकते हो? जाग रहा है, सब कुछ कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। आ जाओ बाहर, आओ बाहर, आ जाओ बेटू, क्या बात है। हवा बहुत तेज चल रही है, अभी बारिश भी हो चुकी है ग्राउंड यहाँ पे। पता नहीं क्या सिस्टम है, नहीं है, आगे क्या होने वाला है मौसम का हाल। अभी फिलहाल तो ये था कि बारिश हुई थी यार, अब बादल से हैं। टाइम लैप्स लगा सकते हैं यार छोटा सा, है ना, लगा के देखते हैं कैसा आ रहा है। तो भाई लंच करने के बाद अपन आ गए बाहर। एक्चुअली अपन जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड, वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आज इंटरसेप्टर का टेस्ट राइड मिल जाए। बड़ा मन है इंटरसेप्टर चलाने का, क्योंकि यार काफ़ी लोगों ने पूछा कि इंटरसेप्टर लेना है कि नहीं लेना है। इनफैक्ट आज सुबह ही मेरे एक कज़न का कॉल आया, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार इंटरसेप्टर वर्थ है लेना नहीं है, क्योंकि उनको ट्विन सिलेंडर में चाहिए, ही वॉन्ट्स टू गो विथ इंटरसेप्टर, इसीलिए वो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या रिव्यू है तुम्हारा उसके ऊपर। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आज ही जाके देखता हूँ, एक राउंड उसकी टेस्ट राइड लेता हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसी रहेगी वो।
बारिश हो रही है अपने को। खैर गाड़ी की चाबी तो मिल गई है, एक भाई साहब आएंगे मेरे साथ बैठ के, वो भी चलेंगे। वैसे तो मैं अकेले लेके जा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है आ जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। पहले भैया इसको साइड कर देते हैं, फिर निकालते हैं ट्विन इंटरसेप्टर को। नाइस नाइस ट्विन इंटरसेप्टर। ओके आई हैव स्टार्टेड दिस। ठीक है ₹2500 RPM के बाद मैंने इसमें थर्ड गियर डाल दिया है। मीटर कंसोल ओके है, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है इसमें वो ये है कि विंड ब्लास्ट आ रहा है। कोई नहीं, विंडशील्ड कोई भी लगा सकता है, वाइजर आप लगवा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। स्मूद है बाबा, बहुत स्मूद है, एक्स्ट्रा स्मूद है, मतलब हिमालयन से तो प्लस स्मूद है ये। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दे देते तो और अच्छा रहता। कोई नहीं, सब चीज़ें सब गाड़ी में नहीं मिल सकती, इसमें जो है लेकिन वो दूसरी गाड़ियों में नहीं है, जो कि है डुअल सिलेंडर। पोस्चर भी अच्छा खासा है यार, हैंडल बार्स हैं तो ऊंचे, आप इसे हैंडल बार रेजर्स लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, आपको अच्छा पड़ेगा। अच्छा पिकअप, बहुत स्मूथ पिकअप, वाह वाह वाह, मक्खन, बहुत मक्खन, बहुत ही अच्छा स्मूथ राइड, स्मूथ पिकअप, स्मूथ फ्लो, मतलब स्मूथ मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सच में ये है स्मूथ। मैं अभी इसे बहुत ज़्यादा रेव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शहर के अंदर चल रहे हैं, पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलेंगे तब थोड़ा सा इसको रेव करेंगे। हैंडल बार्स भी सही पोजीशन में है, चलाते चलाते आपको और आदत पड़ जाएगी, और अगर इसमें रेजर्स लगवा लेंगे हैंडल बार रेजर्स, तब तो सोने पे सुहागा टूरिंग के लिए। बारिश भी पड़ रही है, प्रॉब्लम तो ये भी है। अच्छा जैसे ट्रैफिक में मैं गुजरते हुए जा रहा हूँ तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, मुझे हिमालयन में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसमें कम दिक्कत हो रही है। हाइट है लेकिन इसकी भी, सीटिंग पोजीशन हाइट है, ऐसा नहीं है कि नीची है लो है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, स्मूदनेस की दुकान है ये, प्योर स्मूदनेस, प्योर स्मूदनेस। जो ओनर साहब हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यार रॉयल ट्रीटमेंट दिया मेरे को, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बैठ के बातचीत करके, जूस वूस पिया हम लोगों ने साथ में, बातचीत हुई बहुत सारी। उन्होंने बोला ले जाओ यार गाड़ी चलाओ, मस्त देखो बताओ, जेन्युइन लोग, कुछ लोग होते हैं जेन्युइन होते हैं, आपको उनसे बातचीत करके समझ में आ जाता है, दे आर वन ऑफ दोज। इंजन की आवाज़ बहुत स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है यार इसकी। एनफील्ड ने अपनी ब्रेकिंग पे काम किया है, मुझे अब सारी गाड़ियों की ब्रेकिंग अच्छी लगने लगी है। पिछले दिनों मैंने एक क्लासिक 350 भी चलाई थी, उसकी भी ब्रेकिंग पुरानी 350 से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं ओवरटेक फालतू में नहीं करूँगा जब तक मैं श्योर नहीं हूँ चीज़ों के बारे में। तगड़ा पिकअप है भाई इसका, बहुत तगड़ा, हल्का सा वो आ रहा ना ट्विस्ट, मैंने अपनी राइट कलाई में उठी थी गाड़ी, ये अब समझ में आ रही है कि ये क्या चीज़ है। भैया ने बोला राइट टर्न इट इज़। मेरी आदत है मैं 2500 RPM के बाद ना गियर चेंज कर देता हूँ बड़ी गाड़ियों में, या मैक्सिमम 3000। सीटिंग पोजीशन अपराइट तो है, तो भाई साहब अब आ गए हैं अपन हाईवे पे। ओहो, इसमें 6 गियर हैं क्या? दिस इज़ ऑलमोस्ट, मैं इसे 60 पे चला रहा हूँ, लेकिन कोई भी वाइब्रेशन तो एक पैसे की नहीं पता चल रही भाई। 70 पे आ गया हूँ, एक पैसे की वाइब्रेशन नहीं है। मैं इसे 80 प्लस तो लेके जाऊँगा ही, जितना मैं हिमालयन अपना क्रूज़ कराता हूँ 80 पे, इसको 80 पे क्रूज़ करा के देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। ओके सो नाउ मैं 80 पे पहुँच चुका हूँ, एंड इट इज़ नाइस, सही है। मैंने कोई भी प्रोटेक्टिव एक्सेसरी नहीं पहनी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होऊंगा हेलमेट के अलावा। ये मेरे को काफ़ी स्मूथ, बहुत स्मूथ लग रही है, हिमालयन से बेटर तो है, डेफिनेटली है, स्मूथनेस के मामले में तो है। विंड ब्लास्ट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, या तो ये कह सकते हो कि मैं हिमालयन चलाता हूँ इसलिए मेरे को आदत छूट गई है इतनी हाई स्पीड पर विंड झेलने की, विंड ब्लास्ट तो है, बट दिस इज़ अ वेरी स्मूथ मशीन। मतलब अभी ट्रैफिक से निकल के आए, वहाँ पे भी मज़ा आया इसे चलाने में, हिमालयन से बेटर परफॉर्म किया इसने ट्रैफिक के अंदर। मतलब जो होता है ना, एक हैवी बाइक आप चला रहे हो संभालने में, तो वो बेटर थी हिमालयन से ये। अब जैसे कि मैं हाईवे पर चला रहा हूँ, इट्स अ टारमैक रोड, इट्स अ प्लेन रोड,
तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है व्हेन आई कंपेयर इट विद हिमालयन, तो हिमालयन से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ ये है, डेफिनेटली है। सो दिस इज़ अ 650 सीसी इंजन, उस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी नाइस डिसेंट बाय। आप कोई भी ट्विन सिलेंडर लेने जाओगे आपको इतने दाम में नहीं मिलेगी। यहाँ से यू टर्न लेते हुए बैक टू शोरूम। वही है, हैंडलिंग इसकी हिमालयन से प्लस है, कहीं से भी माइनस नहीं है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं वो तो भाई ऐसे नहीं बता सकते बिना ऑफ रोडिंग किए इससे। उस मामले में थोड़ी सी हिमालयन से माइनस हो सकती है ये डेफिनेटली, लेकिन बाकी चीज़ों में शहर के अंदर पिकअप, हैंडलिंग, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे इसका काफ़ी बेटर लगा कंपेयर टू हिमालयन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा लगा, सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, ब्रेकिंग बहुत अच्छी, एक्सेलरेशन सुपर्ब, और स्मूथनेस की तो ये दुकान है पूरी पूरी। इंटरसेप्टर चलाने में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो बहुत अच्छी बाइक है। आपको इतने बजट में ट्विन सिलेंडर मिल रही है, दैट ऑल्सो 650 सीसी, तो आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी ये ऑफर कर रही है। प्लस दिस इज़ रॉयल एनफील्ड, तो वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस। स्मूथनेस बहुत अच्छी, पिकअप बहुत अच्छा, और हैंडलिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है, बेटर देन हिमालयन है सिटी के अंदर। सिटिंग पोस्चर कंफर्टेबल है। ओवरऑल अगर बात करें तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज ट्विन सिलेंडर में अगर कोई लेना चाहता है तो। ऑन रोड ऑलमोस्ट आपको इसके लिए 3.40 लाख प्लस खर्च करना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन आप इंश्योरेंस कौन सा लेते हो एंड ऑल दैट, इस प्राइस में ट्विन सिलेंडर वो भी रॉयल एनफील्ड, इट्स अ मस्ट बाय। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो वीडियो पे। कमेंट करके बताओ कि पूरी वीडियो में सबसे अच्छा सेक्शन आप लोगों को कौन सा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।